आदाब नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मम्मा शाह फैसल और आप देख रहे हैं ए टू जेड यूपी खास। इस समय मैं जनपद सोनभद्र में और मोरा में होटल वैभव इंटरनेशनल में मौजूद हूं, जहां पर फिजिक्स वाला की सेमिनार हुआ है। क्या है फिजिक्स वाला, उनके स्टाफ यहां पे मौजूद हैं तो हम उनसे जानेंगे। सर पहले आप अपने बारे में बताएँ, ये फिजिक्स वाला क्या है और थोड़ा सा अपने बारे में बताएँ। सर मैं नीरज सिंह, फिजिक्स वाला विद्यापीठ वाराणसी सेंटर से। फिजिक्स वाला सर एक आईटी जेई और नीट का प्रीमियर कोचिंग है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कराते हैं। फिजिक्स वाले का शुरुआत अगर एकदम बेसिक्स आप देखेंगे तो 2014 में जो अलग सर हैं उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। 2014 से 15 में यूट्यूब पे आए, फिर 2017-18 में हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, उसके बाद 2020-21 से हम लोग कंप्लीट ऑफलाइन सेंटर्स विद्यापीठ लॉन्च किए, जो आज के डेट में लगभग पूरे इंडिया में 18 स्टेट्स में हम लोग कवर कर रहे हैं विद्यापीठ। ये सोनभद्र में पहला कोलैबोरेशन है और हम लोग सोनभद्र में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत डीपीएस स्कूल में स्कूल एसोसिएशन के तहत एक प्रोग्राम है हमारा, उससे अब तक आप देख रहे थे कि फिजिक्स वाले टीम से हमारी बात हो रही थी। डीपीएस स्कूल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे ही इसके रिगार्डिंग में यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या कहते हैं, आइए उनसे हम जानते हैं और बात करते हैं। देखिए जनरली जो फिजिक्स वाला के साथ हमारे स्कूल का यानी डीपीएस स्कूल रावर्जंज का कोलैबोरेशन हुआ है, वो इन चीज़ों को देखते हुए हमने कोलैबोरेट किया है कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ से जो बच्चे मूव कर रहे हैं उनके साथ एक स्कूलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो बच्चे अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए या तो कोटा, वाराणसी या दिल्ली या कानपुर की ओर मूव कर रहे हैं। वहाँ पर उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो गार्जियनशिप का एक इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है कि गार्जियन को ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, या बच्चे को इस कंपटीशन के ज़माने में एक मेंटल सपोर्ट की जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वो नहीं मिल पा रही है। फिर जनरली जो गर्ल्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ने में तो अच्छी है बट वो हम भेजें कि ना भेजें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस है उस चीज़ को लेकर के। तो इन सब चीज़ों को दूर करते हुए हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया ताकि फिजिक्स वाला की जो टीम है, इतनी बड़ी कोचिंग है ये, कि ये इनका जो मेन उद्देश्य है कि हम जगह जगह यानी छोटे जगह पे भी जा करके बच्चों को गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रोवाइड कर सकें, उस पर ये वर्क कर रहे हैं। तो हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया कि इनकी टीम पूरी रावर्जंज में ही यानी सोनभद्र में ही आ जाए और हर एक उस बच्चे को पढ़ा सके जिन बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा कर सकते हैं, उनको ये पढ़ा सके। प्लस साथ में हमारे साथ कोलैबोरेशन का इनको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि ये अपनी क्लासेस तो लेंगे ही, उसके साथ साथ बच्चों की कुछ क्लासेस हम लोग भी लेंगे, जिससे उनका जो रेगुलर इम्प्रूवमेंट है और सोशल कनेक्टिविटी है अदर बच्चों के साथ या स्कूल के साथ वो दूर ना वो ख़त्म ना हो पाए, उसको हम कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहें बच्चों को और पेरेंट्स की एक गार्जियनशिप भी बच्चों के साथ कंटिन्यू बनी रहेगी। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये फिजिक्स वाला का जो फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। इट मीन्स अगर कोई गार्जियन जिसका स्लॉट है कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन मैं कुछ पैसा खर्च करके इसको पढ़ा सकता हूँ, बट वो बैकफुट हो जाता है उन रीजन को देखते हुए कि अगर बच्चा मेरा बाहर जाएगा तो वो अच्छी शिक्षा तो ले लेगा लेकिन उसको गार्जियनशिप नहीं मिल पाएगी, प्लस उसके रहने और खाने का खर्च हमें भी देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जो हैं वो गार्जियन की थोड़ी सी यहाँ पर बचत हो रही है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है गार्जियन के वो कम हो रहे हैं और एक नॉर्मल से अमाउंट में वो अच्छी शिक्षा को प्रोवाइड भी कर ले रहे हैं अपने ही रीजन में। और साथ साथ एक बेनिफिट उनको मिल रहा है कि गार्जियन का जो एक टच है अपने बच्चे से वो रेगुलर बना हुआ है, वो रेगुलर अपने बच्चे को वॉच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि उनका बच्चा कैसी पढ़ाई कर रहा है, प्लस अपने टीचर से जो उनके बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहे हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी बना पा रहे हैं। फिर अब तो सोनभद्र में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी तैयार हो चुके हैं। जी, अब इन चीज़ों को अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग के यहाँ पर कॉलेजेस तैयार हो चुके हैं तो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम एंट्रेंस को क्रैक करें और उसमें एडमिशन लें, तो उस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए एक कहीं ना कहीं बच्चों को और उनके अभिभावकों को पूरी पूरी सुविधा यहाँ पर अपने ही क्षेत्र में कम पैसों में और अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिल जाएगी।